स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी में। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेलगाड़ी वाले प्रश्न, समय दूरी जो चाल चल रहा है आपका टॉपिक, उसमें हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम के सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। अब रह गया आपका रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो हम चल रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे, तो उसका बेसिक पार्ट मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको और सारे वीडियो चाहिए, जैसे वर्क एंड टाइम मैंने कवर करा दिया है पूरा, पाइप एंड सिस्टम मैंने कवर करा दिया है पूरा, उसके साथ साथ में मैंने आपको जो है ये स्टार्ट कर दिया स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये कवर करा दिया है, और आपके रेलगाड़ी या ट्रेन वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। तो और बाकी शॉर्ट क्लास हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। तो देखो, हम लोगों ने देख लिया था, अगर कोई व्यक्ति या कोई खंभा कहीं पटरी पे मिल जाता है, किसी पटरी पर कोई खंभा या कोई व्यक्ति होता है, तो उसको हम नगाड़ी मान करके उसकी रेलगाड़ी की तय की गई दूरी मान लेते हैं, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ये इस पर आधारित हम लोगों ने सवाल कर लिए थे। और एक चीज़ देख ली थी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होती हैं या सेम डायरेक्शन होती हैं तो हम लोग चालों क्या करते हैं, अगर विपरीत दिशा है तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। और अगर समान होती हैं तो चालें क्या होती हैं, चालें घट जाती हैं। ये चीज़ देख ली थी, इस पर हमने आधारित कई सारे सवाल कर लिए थे। तो आप देखते हैं आगे का टॉपिक क्या होगा। तो देखते हैं आगे ये होना है कि पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई ट्रेन जा रही है, समझना इस चीज़ को, अगर कोई ट्रेन जा रही है, मान लेते ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और किसी पुल को, ये पुल है, इस पुल को पार करती है, तो ये पुल इस पुल को पार करती है, अगर इस पुल को पार करती है, इस पुल की लंबाई 50 मीटर है, समझना बात को, तो ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है, ठीक है, तो ये ट्रेन है और यहाँ से पुल को पार करेगी, पुल को अगर पार करेगी तो ये कुल कितनी दूरी चलेगी, या इस पर आधारित सवाल हम लोग करेंगे। तो अगर मान लेते हैं ये 100 ना होकर ये एक्स है, ये वाई है, तो देखो यहाँ से गाड़ी चलेगी, यहाँ से चढ़ी और चढ़ करके चलती गई, अब ट्रेन मान लो यहाँ पर खड़ी हो गई, ठीक है, तो अब खड़ी हो गई, तो अभी क्या पुल को पार किया गाड़ी ने, नहीं पार किया है। अगर मान लो ये ट्रेन यहाँ पर आ जाए, चलती हुई यहाँ पर आ जाए, क्या पुल पार हो गया, अभी नहीं। अब ने देखा कि अब क्या हुआ, ट्रेन जो है इस स्थिति में आ गई है, ये पुल के बाहर आ गई, ये ट्रेन निकली, यहाँ तक पहुँच गई, तो उसने कितना पार कर लिया, एक तो वाई ये चल दिया है और बाकी अपनी खुद की लंबाई भी चल चुका है। ये इंजन है, देखो ये इंजन है, तो इंजन कितना चल चुका है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और अपनी खुद की लंबाई एक्स को भी चला है और वाई भी चला है, तो कुल लंबाई से कितनी हो जाएगी, कुल दूरी अगर किसी प्लेटफार्म या किसी बड़ी चीज़ को पार करती तो उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई ये सब मिलाकर क्या हो जाएगी, कुल दूरी। अगर समझ में आ गई हो बात, तो देखते हैं सवाल की तरफ। तो ये आपके सामने सवाल है, सवाल में दिया हुआ है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक चीज़ देख लो कि ये मान लो हमारी ट्रेन है, ये है ट्रेन, अब आपको बिल्कुल बेसिक समझाते हैं, ये ट्रेन है और ये मान लो एक व्यक्ति है, अब ये ट्रेन है 10 मीटर लंबी, कितनी है 10 मीटर लंबी ट्रेन, अब ये यहाँ से चलेगी, यहाँ मान लो ये बैठा ड्राइवर, तो ड्राइवर जो है कितना चलेगा, ऐसे चलता चलता कितना निकल जाएगा, ये 10 मीटर जो चलेगा यहाँ से, जब 10 मीटर ये गाड़ी चलेगी एक खंभे को पार कर रही तो कितना निकल जाएगा, ऐसे 10 मीटर निकल जाएगा, है ना, तब तो ये ड्राइवर पहुँचेगा, क्योंकि अगर 10 मीटर की गाड़ी तो ड्राइवर को कितना चलना पड़ेगा, 10 मीटर, तब जा कर के व्यक्ति को अपनी गाड़ी पार करा पाएगा, वरना आधी अगर रहेगी, मान लो ट्रेन आपकी ऐसे निकल गई इतना, तो ट्रेन पार कहाँ हुई, जब ट्रेन बिल्कुल पार हो जाएगी तब ड्राइवर कहेगा हाँ व्यक्ति को ट्रेन क्या हो चुकी, पार कर चुकी है। लेकिन इसमें कहा है जो गाड़ी है वो भी लंबी है, कितनी 450, और पुल भी लंबा है, तो अब मान लिया ये है गाड़ी और ये है पुल, समझ रहे हो बात, तो ये जो है पहले ड्राइवर किसको पार करेगा, किसको, अभी तो आ गई किस पर, अभी आ गए पुल पर, तो अब धीमे धीमे किसको पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, पुल को पार करने के बाद खुद की लंबाई को पार करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इस स्थिति में, तो ड्राइवर ने यहाँ पर, अगर जो ड्राइवर है बैठा, ये यहाँ पर ड्राइवर जो बैठा है या जो इंजन है वो कितना चलेगा, ये भी दूरी चलेगा और प्लेटफार्म की भी दूरी चलेगा, बात समझ में आई, बहुत ही व्यवहारिक तरीके समझाने की कोशिश की है। तो जो कुल लंबाई हो गई, कुल लंबाई कितनी हो गई,
450 मीटर और प्लस कितनी है बाकी 250। तो रेल द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी तय की गई दूरी। अच्छा, दूरी बटे समय क्या होता है, दूरी बटे समय होता है चाल। तो मान लिया समय इतना लगेगा, तो इतनी दूरी पार करने में इतना समय लगेगा, टी सेकंड लगेगा। अच्छा, चाल कितनी है, तो चाल है 63 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, सेकंड में आंसर मांग रहे हमसे हैं, तो क्या लिख दिया 5/18। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, इसको ऐड कर लिया तो ये कितना आएगा, ये जीरो, ये जीरो, और 4 2 6 7। काट दो, 7 9 है ना, 9 2। अब क्या हो जाएगा, 5 से कटा 20 और 2 से आया तो 40। टी इक्वल टू 40 सेकेंड, सी एंस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए देखते दूसरा सवाल। तो सवाल आपके सामने है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, साधारण सा सवाल है, पढ़ लीजिए जल्दी से। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल लंबी, अच्छा 101 रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे अपने समान लंबाई के पुल को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अब रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतना लंबा पुल है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी गई है, 180 मीटर। अच्छा, पुल की लंबाई कितनी दे दी है, तो पुल की लंबाई भी कितनी है, 180 मीटर। तो ये हो गया आपका 180। अब ये बताओ, ये इंजन जो है ये कितना चलेगा, तो यहाँ तक चढ़ाने में, यहाँ तक चढ़ाने में जब चढ़ जाएगी तब तक कितना चलेगा, तब तक 180 पूरी गाड़ी चढ़ा पाएगा किस पर, पुल पर। अब ये चढ़ गई, तब भी ड्राइवर या इंजन आपका कितना चल चुका है, 180। फिर क्या करेगा, इसको पार कर देगा, तो पार करते 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 बिल्कुल साइड में लेकर जाएगा, तो रेलगाड़ी कितनी चल चुकी होगी या इंजन कितना चल चुका होगा, तो 180 ये, 180 ये, कुल कितनी हो गई दूरी, 360। क्लियर। अब आपको बताना है चाल, तो ये हो गई मीटर, और मान लिया सेकेंड कितना, मान क्या लिया, पहले से दिया है तो कितना दिया है 18 सेकेंड। चाल बराबर आपको पता हो गई, ये चाल है, देखो काटते हैं, 18 से काटा दो बार भी, 20 मीटर मीटर बटे सेकंड या प्रति सेकंड। ऑप्शन देखो कोई है, ऑप्शन तो आपका मिला लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या करते हैं, इसको बड़े में बदल दो, बड़े में बदल दो मतलब कि बड़ा वाला ऊपर कर दो, छोटा वाला नीचे कर दो। मैंने कई बार बताया है 5/18 कब गुणा करेंगे, जब छोटे में बदलना हो तो 5 ऊपर, और जब बड़े में बदलना हो तो 18 ऊपर। और ये कहाँ से आया ये भी बता चुके हैं, कैसे आया था, क्योंकि 1000/60 1000 का मतलब मीटर में है, ये सेकंड में बदल दिया, ये बन गया आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको किया तो क्या है, 4 18 4 72, तो ये कितना हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर नंबर 3 या सी। अब देखो बेसिक सवाल थे, समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा इसमें आप एडजस्ट कर लेना, जैसे हम इसमें बदल दीजिए, जैसे आपका अगला सवाल लेकर आता है आपके लिए, ये आपके लिए सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल, चलिए ये सवाल है, और कोशिश हमारी रहेगी, अभी आपका सवाल हिंदी मीडियम मिल रहा है, बाईलैंग्वेज सोचेंगे आपके लिए सवाल कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराएं। दूसरी चीज़ और रहेगी कि आपका लिखने वाला ज़्यादा ना रहे, आपका कट पेस्ट आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती मुझे भी। चलिए सवाल में कहा, एक ट्रेन है 50 मीटर लंबे पुल को 14 सेकंड पार करती है, तो ये ट्रेन है और पुल कितना है, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे पुल को, तो ये हो गया 50 मीटर, और ये आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी 50 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करती है, 14 सेकंड में। वही ट्रेन एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, तो ये मान लो ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ प्लेटफार्म पर, इसको जब ये ट्रेन पार कर रही है तो कितने देर में पार कर रही है, 10 सेकंड में। आप एक चीज़ बताओ कि जब प्लेटफार्म को पार करेगी और पुल को पार करेगी तब उसकी स्पीड क्या है, स्पीड उसकी सेम रहेगी, चाल उसकी सेम रहेगी। अगर चाल सेम रहेगी तो व्यक्ति को जिस चाल से पार करेगी उसी चाल से पुल को भी पार करेगी। क्लियर। फिर कहा है आपको कि पुल को जब पार करेगी, मान लिया है कितनी लंबी है एक्स, ये कितना है 50, तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी दूरी तय करेगा पुल को पार करने तक, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 50, है ना, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तय की गई दूरी ये हो गई। समय कितना लगा, तो समय लेगा 14 सेकंड, तो कुल दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या आ गया, क्या आ गया चाल। इधर देखते हैं, अगर व्यक्ति को पार कर रही मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है, खुद चली गई दूरी, खुद खुद के द्वारा चली गई दूरी या खुद की लंबाई को पार करना,
ठीक है, तो खुद की लंबाई को पार करेगी, मतलब वो अगर x लंबाई है तो वो कितनी दूरी चलेगी, x अगर 10 मीटर लंबी है तो 10 मीटर, अगर 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो कितना चलेगी, 100 मीटर। बात समझ में आई? तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 सेकंड। x लंबाई या x दूरी चलने में कितना समय लेती है, 10 सेकंड लेती है। तो ये भी क्या हो गया, चाल, दूरी बटे समय, ये चाल हो गया। अब चालें बराबर, तो चालें हमने बराबर ऑलरेडी कर दी है, चलिए काट दो यहाँ से, ये कटा 5, ये आया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5x 250 और बराबर कितना आया, 7x। ये 7x से 5x उधर चला गया तो कितना बचा, 2x या 2x, यहाँ पर कितना बचा, 250, और 2 से कटा तो कितना आया, 125। तो x इक्वल या x बराबर कितना आ गया, 125। हमको पता चल गई रेलगाड़ी कितनी लंबी थी, 125 मीटर। क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो भैया रेलगाड़ी की चाल आप निकाल दो, कहीं से निकाल दो, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 125 डिवाइड बाई 10 कर दिया ना, अब ये कर दिया तो ये क्या आ गया, ये है मीटर, ये है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में चाल निकलेगी। तो मीटर पर सेकंड से हमको चाहिए किसमें, सारे ऑप्शन किसमें दिए हुए, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किसमें बदल दे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बड़े में बदलना है, तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, बस हो गया काम। 5 से काटा, ये कटेगा 25 बार में, ये काटा 5 से कटेगा 2 बार, ये कटा 5 बार, 2 से काटा, ये कटा 9, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका आंसर, आंसर बी, क्लियर। इसी चीज में अगर इस पर आपको भरोसा ना तो इसको ट्राई कर लो, 125 तो ये हो गई, 50 ऑलरेडी है, और डिवाइड बाई कितना है, 14 है, ऐड कर दो तो ये आएगा 175, और किसमें बदल दें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5, 5 से काटा तो ये जाएगा 5 से 3 बार में, और ये 5 बार में, फिर 7 से काट दो, ये कट गया, 2 से काटो 9, और 9 को 5 से गुणा किया कितना आएगा आपका, 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड। अब ये फास्ट थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं, हमको आप पर भरोसा है बहुत अच्छा कि आप लोग कर लोगे, ट्रस्ट है हमको आप पर कि आप ये सब कर लोगे, छोटी मोटी चीज़ें। मुझे केवल समझाना था ये कॉन्सेप्ट कि जोड़ना कब है, घटाना कब है, चाले कब जुड़ती हैं, चाले कब जुड़ती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे समझानी थी, मुझे लगता है मैंने आपको बखूबी समझा दिया है। तो आप पर भरोसा करके आगे देखते हैं अगले सवाल को, देखते हैं इसमें कहा है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अब देखो, रेलगाड़ी जब पार करेगी किसी पुल को, तो पुल को जब पार कर रही है तो पुल की लंबाई कितनी दी है, 120। रेलगाड़ी की मान लिया लंबाई x है, तो ये बताओ यहाँ से जब रेलगाड़ी चढ़ेगी, चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आएगी पुल तक, तो खुद की लंबाई को पार करेगी, और यहाँ तक निकल के जाएगी पूरी, तो ये इंजन जो है ये खुद की लंबाई और इसकी लंबाई को पार कर लेगा, पुल की लंबाई को। तो कुल लंबाई या कुल दूरी, इंजन के द्वारा चली गई कुल दूरी, इंजन के द्वारा चली कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 120, या रेलगाड़ी के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 120। कितने सेकंड में ये सब काम हो रहा है, कितनी दूरी तय कर रही है, तो ये कर रही 10 सेकंड में, तो दूरी बटे समय क्या हुआ, चाल हुआ। दूसरी कंडीशन क्या बनी, दूसरी कंडीशन रेलगाड़ी पार कर रही प्लेटफार्म पर खड़े इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति खड़ा था, इसको पार किया, तो मतलब कि खुद की लंबाई को इसने पार किया है, खुद की लंबाई या इसने उतनी दूरी चली है जितनी की ट्रेन लंबी है। अगर ट्रेन 100 मीटर लंबी है तो 100 मीटर चली, अगर ट्रेन 50 मीटर लंबी है तो ये 50 मीटर चली, समझ गए, ठीक। जैसे ऐसा समझो कि ये मान लो 5 मीटर लंबा है, तो यहाँ से निकलेगा, निकलता ऐसे पहुँचेगा ना 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल जाएगा, 5 ही मीटर तो चलेगा, ये मार्कर इस प्रकार से देखो, ये 5 मीटर चल पाएगा वहाँ से वहाँ तक, तो ये हो गई आपकी खुद की लंबाई। तो x बटे कितने देर में हो रहा है सब काम, 4 सेकंड में, क्लियर। ये भी क्या है, दूरी बटे समय, चाल हो गया, 2 से काटो, अब 2 से कटा 5, 2 से कटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 240, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, 2x उधर चला गया तो कितना बचा 3x, यहाँ पर कितना बचा 240, 3 से काटा कितनी बार में 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 80, 80 क्या है 80 मीटर है, आपको चाल निकालनी ना तो इसमें रख के देख लेते हैं एक बार, तो 80 बटे 4, 4 से काटा कितनी बार जाएगा 20, तो ये 20 ये मीटर है ना, ये सेकंड है, मीटर और सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपसे आंसर बोला है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किसमें बदल दें, बड़े में बदलना है, तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, 5 से काटा 4 बार, 18 × 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें रख के देख लो, तो ये है कितना है 80 प्लस 120 डिवाइड बाई कितना है 10, देखो
ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई 10, किस में बदलना है, ये मीटर प्रति सेकंड, तो ऐसे कट भी गया तो कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, बात तो वही है, चलो बदल दो 18/5, 5 से कटा 4, 18 चक्कू 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ गए? अगर नहीं समझे तो आपसे इतना ही कहेंगे, इसको ज़रा प्ले कर लो पीछे से, आराम से देख लो, ठीक है? बाकी ट्रस्ट है हमको आप पर, आप समझ चुके हो, समझदार हो, काफ़ी अच्छे से नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो और आप सीरियसली पढ़ रहे हो, इसीलिए यहाँ तक इस वीडियो को देखा है आपने, क्योंकि आपका ये जो जुनून है यही बताता है कि आप सफल होगे जीवन में। चलिए आगे देखते हैं अगले सवालों की तरफ। हाँ, अब जूम कर दो चाहे कैमरा हल्का सा। चल, तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल आपके लिए दिया हुआ है, सवाल पढ़ दे रहे हैं एक बार। एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड पार करती था, एक खंभे को 5 सेकंड पार करती तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। द स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन आप निकाल सकते हैं, इसमें क्या है ट्रेन की चाल, ऑप्शन दिए आपके सामने, एक ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, तो सोच समझ के आंसर लगाइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सबके लिए। चलिए अगला सवाल आप सभी के लिए। अगला सवाल कहा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई आपस में बराबर है, एक खंभे को पार करने 12 तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं, यदि वे एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अच्छा, सच बताएं, ये आपको नहीं लगते कक्षा 7, 8, 9 के सवाल हैं, क्योंकि सच में वही के सवाल हैं ये। लेकिन होता क्या है, हम लोगों ने कॉम्पिटिशन का स्तर ऐसा बढ़ा दिया है कि 10वीं तक तो पढ़ाई नहीं करनी है, जैसे जैसे काम चल जाना है, इंटर भी काम चल जाना है, बीए कर लिया या बीएससी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद देखते हैं तैयारी करते हैं। पढ़ने वाले जो होते हैं वो इन सवालों में छोटे छोटे चीज़ों में नहीं रचते हैं, वो अच्छे लेवल की तैयारी, इनकी ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं सारी चीज़ें। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपने किया नहीं, लेकिन हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब कर दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर चुका है, सारा का सारा हो चुका है। जो चीज़ें हम लोगों को सिखानी चाहिए वो ना सिखा करके हमको पता नहीं किस राजनीति में फांस दिया गया है। इन सब बातों बाद में चर्चा करें, कभी टाइम मिलेगा तब आपको। चलिए देखते हैं, दो रेलगाड़ियाँ दे दी गई आपको हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप हमारे साथ बने रहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तो हम क्लियर कराते चलेंगे, बस आप हमको ज़्यादा नहीं आधा घंटा रोज़ देते रहिए, मैथ तो आपकी दूर हो जाएगा, मैथ का डर, मैथ नहीं दूर होगी, मैथ का डर दूर होगा। एक रेलगाड़ी है और दूसरी भी रेलगाड़ी है, अच्छा, एक खंभे को पार करती, तो मान लिया ये खंभा है और ये भी खंभा है, पार करने में एक लेती है 12 सेकंड, एक लेती है 15 सेकंड, तो आपको ये पता चल गया कि रेलगाड़ी समान लंबाई की है, तो इसकी अगर x लंबाई तो इसकी भी कितनी हो जाएगी x, मतलब कि ये खुद को पार करने कितनी दूरी चलेगी x, ये खुद को पार करने में कितनी दूरी चलेगी x, ये जब चलेगी तो कितनी देर में पार कर पाएगी खंभे को 12 सेकंड में, ये कितने पार कर पाएगी 15 सेकंड में, तो आपको ये पता चल गया कि दूरी अगर x पार करती 12 सेकंड में तो ये दूरी बटे समय ये चाल नहीं हो गया आपका, ऐसे ही ये भी तो चाल हो जाएगा, क्लियर है? फिर आपसे कहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को पार करने का मतलब ये गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, अच्छा एक ही दिशा में गतिमान है, चलिए जो हाँ एक गाड़ी ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो ये देखो ये x है, ये x है, जब ये गाड़ी पार करेगी इसको, ये जब गाड़ी पार करेगी तो कितनी चाल हो जाएगी दूरी, तो दूरी x ये दूरी हो जाएगी, खुद की दूरी को पार करेगी और इसकी लंबाई को, खुद की लंबाई इसकी लंबाई को पार करेगी तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, या खुद सॉरी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी तो 2x हो जाएगी, तो 2x जो है मान लेते हैं कुछ t सेकंड में पार करेगी, है ना, तो t सेकंड में पार करेगी। अब इस चीज़ को हटा दें थोड़ा सा, x पहली चाल कितनी है 12, दूसरी चाल कितनी है 15, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये पहली चाल s1, ये दूसरी चाल s2, चाल एक्चुअल चाल क्या निकलेगी, वास्तविक चाल क्या निकलेगी, तो ये s1 - s2 क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है एक ही दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान क्या होती है, चालें घट जाती, चालें हमने घटा दी है, ये निकल के आएगी आपकी एक्चुअल स्पीड, जिस स्पीड से पार करेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चाल 40 है, कोई 30 है, ये 30 की चाल से इधर को जा रहा है, ये 40 की चाल से इधर को जा रहा है, तो ये जब पार करेगा इस व्यक्ति को या इस गाड़ी को, तो इसकी चाल उस समय कितनी होनी चाहिए, तो ये इसकी चाल उस समय 10 अधिक होगी केवल, तो मतलब कि 10 की चाल से इसको पार करेगा, बात समझ में आई, तो इसकी चालें क्या हो गई, घट गई, बस कुछ नहीं, बैल्सियम ले लीजिए, कितना आया 60, 15 इस 12 से किया तो कितना आया 5x माइनस कितना 4x, यहाँ पर 2x डिवाइड बाई t, यहाँ से घट गया कितना बचा x,
एक्स एक्स कैंसिल आउट और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टी इज इक्वल टू 120 सेकंड, मतलब कि दो मिनट या 120 सेकंड में ट्रेन क्या हो जाएगी, पार हो जाएंगी, एक दूसरे को पार कर लेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी चीज़ को एलसीएम मेथड से सीख लेते हैं। एलसीएम मेथड में क्या है, देख लीजिए, समय दिया हुआ है तो समय हमने लिख लिया 12 सेकंड और 15 सेकंड, तो ये हो गए आपके समय जो कि खराब रहते हैं हमेशा। एलसीएम 60 आ गया, एक के द्वारा चली गई दूरी 60, दूसरे के द्वारा 60, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं इसकी लंबाई 60 है, इसकी लंबाई समान है तब भी क्या है 60 है। चलो 12 से किया तो कितना आया 5, 15 से भाग किया कितना आया 4, ये हो गई चाल है स्पीड। तो स्पीड आपको मिल गई, तो आपको क्या चाहिए, समय चाहिए, समय बाद दूरी बटे चाल। तो दूरी एक तो पहली लंबाई कितनी हो जाएगी 60, मान ली इसकी है तो 60 इसकी है, जब एक दूसरे को पार करेंगे इस तरीके से पार करेंगे, इस तरीके से, तो इस तरीके से पार करेंगे, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, 60 की दोनों है तो पार करेगी, तो कुल कितनी हो जाएगी 120। 60 अपनी लंबाई पार करेगी, 60 दूसरे की लंबाई पार करेगी, तो ये कितनी हो जाएगी 120। और समय जो चालों का अंतर है, तो चालों का अंतर कितना आएगा, एक आएगा, 60 दूनी 120 सेकंड। ना समझ आया तो समझ लीजिए फिर से इस बार कि चालों का अंतर निकालिए, चालों का अंतर कितना एक, जो कुल दूरी है, कुल दूरी कितनी है तो 60 और 60 120, या 60 प्लस 60 करोगे 60 दूनी दो, बात तो एक ही, 60 दूनी 120, तो 60 दूनी 120, ये आ गया 120 और बटे एक, तो 120 सेकंड। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ क्या होगा, अगले सवाल, चलिए अगला सवाल। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई आपस में बराबर है, वैसे उम्मीद आप कर लोगे इसको, आपस में लंबाई एक खंभे को पार करने 12 सेकंड था 18 सेकंड का समय लेती हैं, यदि भी विपरीत दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अच्छा डिस्क्रिप्शन से देखना चाहो डिस्क्रिप्शन देख लो, वैसे एलसीएम मेथड सही है, एलसीएम से करके देखते हैं, एलसीएम से हो जाते हैं सारे सवाल। तो देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, खंभे को पार करने 12 तथा 18 सेकंड का समय लेती है, 12 तथा 18, समझना इस चीज़ को, तो 12 तथा 18 सेकंड का समय ले लिया। फिर क्या बताया कि इनका अगर एलसीएम ले ले तो कितना आएगा 36, 12 तीन 36, 18 दूनी 36, ये टाइम है, ये क्या है, ये स्पीड है, ये क्या है, दूरी है। तो अब बताओ कि जब एक दूसरे को पार करेंगी ये गाड़ी और ये गाड़ी, ये एक दूसरे की क्या है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब अगर ये इधर को जा रही तो ये किधर को जाएगी, इधर को जाएगी। अगर ये मान ले 10 है, मान ले 10 मीटर लंबी, ये 5 मीटर लंबी, तो जब पार करेंगे तब भी इस गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पार करेंगे तो पहले 5 और बाकी अपनी 4, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी हो जाएगी 10, दूरी तो हमेशा ही जुड़ेगी, तो 10 और 5 15, ठीक। तो ऐसे ऐसे देखते हैं दूरी कुल कितनी हो जाएगी, इसके द्वारा 12 इसके द्वारा 36, इसके द्वारा कितनी 36, तो कुल दूरी कितनी हो गई 36 36, 72 72 हो गई, नहीं हो गई, समान लंबाइयां हैं। फिर क्या बताया है, ये दूरी हो गई, दूरी बटे चाल कर दें तो दूरी बटे चाल क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा समय, तो समय ही तुमको ज्ञात करना है। इसमें डायरेक्शन विपरीत है, अगर विपरीत तो क्या कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ दिया हमने, ये कर दिया, ठीक। 5 से काटा 14 बचे 70, बचा 2, तो ये आ गया आपका 14 सही 2/5 सेकंड, 14 सही 2/5 सेकंड, मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। तो सरल तरीका है, आसानी से आ रहा है, इसमें बस किया था ये कि यहाँ पर टाइम मिला, हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल ली और डिस्टेंस हमको पहले से बता दी गई है, डिस्टेंस के आपस में बराबर, तो 36 अगर पहले की है, 36 दूसरे की, दोनों कुल कितनी हो गई 72। समय क्या किया, समय निकाला तो सॉरी चाल निकाल ली, चाल को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्यों ऐड किया, क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो 72/5 वो आपका आंसर निकला है सीधा सा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चल देखो ये सवाल दिया हुआ आपके सामने, इसको अच्छे समझ लीजिए। कहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3, 2:3 है, एक खंभे को पार करने 12 तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं, यदि वे दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। एक चीज आपको बता दी हम पहले, वो जो पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें समान लंबाइयां होती थी, समान लंबाइयां, अगर ये अगर 100 मीटर है तो ये भी कितनी है 100 मीटर। इसमें कहा है जो इनका अनुपात है वो कितना है 2:3, अगर ये 200 है, अगर ये 200 है तो ये कितनी हो जाएगी, अगर ये 200 है तो ये कितनी हो जाएगी, तो 2 = 200 के, तो 3 = कितने की हो जाएगी 300 के, तो ये हो जाएगी किसका 300 के, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ऐसे न करके इनको समझ ले, पहले समान लंबाइयां क्या होती थी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती थी, अब क्या है 2:3 का मतलब ऐसे कह दें कि इस गाड़ी में 2 डिब्बे हैं, ठीक है,
दूसरी गाड़ी में 3 डिब्बे हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? एक गाड़ी में 2 डिब्बे, दूसरी गाड़ी में 3 डिब्बे। ये मान लिया एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। अब बताओ पूरी रेलगाड़ी कितनी लंबाई हो गई? 2। इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई? 3। अब समझ गए? फिर कहा एक खंभे को पार करने 12 था 15 सेकंड का समय लेती है। तो ये बताओ ये 12 सेकंड लेती है 2 डिब्बा पार करने में, तो एक डिब्बा पार करने में कितना समय लेगी? एक डिब्बा पार करने में कितना लेगी? 6 सेकंड। तो एक डिब्बा पार करने में 6 सेकंड लेती है। ये 3 डिब्बा मतलब 3 अनुपात वाली जो है वो 15 सेकंड का समय लेती है। तो एक डिब्बा पार करने में कितना लेगी? जब 3 डिब्बे में 15 सेकंड लेती है खंभे को, तो एक डिब्बा पार करने में कितना समय लेगी? तो लेगी आपका 5 सेकंड। क्लियर है? 3 डिब्बा जो है वो 15 सेकंड में, तो एक डिब्बा 5 सेकंड में। तो ये आपका आ गया समय का रेशियो। एलसीएम कितना? तो 6 × 5 = 30। एक ही सवाल है, इसको अच्छे समझ लीजिए। बहुत 30 आ गया। अब देखो ये जो है ये डिस्टेंस आई, तो 6 × 5 = 30 और 5 से क्या, 5 से 5 6 बार में कट गया, ये आया आपका 4। ठीक है, अब एक चीज को पता है कि जब वो क्रॉस करेंगी एक दूसरे को तो कितनी दूरी से क्रॉस करेंगी? तो 30 और 30, ये एक 30 है, एक बराबर 30 के है, तो वहाँ कुल मिलाकर कितनी, 1, 2, 3 और 4, 5, तो 30 × 5। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? क्योंकि हमने एक डिब्बा निकाला, एक डिब्बे की समय, एक डिब्बे की चाल और एक डिब्बे की दूरी या एक डिब्बे की लंबाई। एक डिब्बे की लंबाई कितनी आ गई? 30। तो 1 बराबर कितने के? 30। तो 5 बराबर कितने हो जाएगा? 30 × 5 जो भी है आपका 150। अब क्या किया हमने, ये चाल जोड़ना है घटाना, तो वो बताएगा ये एक ही दिशा में, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन का मतलब होता है ऐसे ये भी जा रही, ऐसे ये भी जा रही, तब चाले क्या होती, घट जाती है। तो हमने घटा दिया, घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1। ये दूरी है और दूरी बटे चाल ये क्या हो जाता है? समय। क्लियर? तो 3 को गुणा कर दिया, कितना आया? 150 सेकेंड। 150 सेकेंड का मतलब ये होता है 2 मिनट और 30 सेकेंड, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट का मतलब ये भी कह सकते हैं 5/2 मिनट। 5/2 को यह भी कह सकते हैं 2 सही 1/2 मिनट के। आंसर देखो कोई मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन बी। क्या आप समझ चुके हैं सवाल को? इसको बखूबी, अगर बहुत अच्छे समझ चुके हैं तो आपके लिए अगला सवाल देते हैं। चलिए चलिए देखते हैं ये सवाल। सवाल में दिया हुआ है दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई का अनुपात 1:2 मतलब 1:2 है, एक खंभे को पार करने 12 सेकंड तथा 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि वे दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? अब देख लिए, हमने देख लिया एक गाड़ी इसमें डिब्बा कितना 1, दूसरी गाड़ी डिब्बा कितना उसमें है 2, तो 1 और 1, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना 1। समझ गए इस चीज़ को? ये पार करती 12 सेकंड में तो अपना एक डिब्बा लेकर 12 सेकंड निकल जाती है, ये पार करती 18 सेकंड में, तो बताओ एक डिब्बा कितने देर पार हो जाएगा? 9 सेकंड में। तो ये इनका समय हमने देख लिया, या चालें, इनकी चाल जो आएगी तो चाल कितनी आ गई, सॉरी चाल कहाँ, समय ही आएगा, सॉरी समय ही आएगा। समय कितना निकला? 1 का निकला 12, दूसरे का समय कितना निकला 9। एलसीएम आप ले लोगे, एलसीएम कितना निकल के, एलसीएम निकल के आएगा 36। क्लियर है? तो ये हमने लिख दिया समय 12 से किया, 12 तियाँ, अब ये किया 9 से 4 बार में। क्लियर? तो ये आपका आ गया चाल। अब आपको क्या करना है, देखना है डायरेक्शन कैसी है, तो विपरीत है, विपरीत में क्या होती है, चालें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 4 ये हो जाएगा 7। समय निकालना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल तो नीचे लिख दिया, दूरी कितनी आ जाएगी, तो 36 है, अनुपात कितने 1, 2, 3, ये 1 बराबर निकला, एक डिब्बा है, एक डिब्बा, एक डिब्बा कितना है 36, तो ये 36, ये 36, ये 36, तो 36 कितनी बार है, 3 बार है, तो हमने ऐसे लिख दिया, गुणा किया तो 36 दिया कितने आएगा, 36 दिया आएगा आपका 108 और बटे 7, 36 दिया 108 बटे 7, ये आपका आ गया। देखते इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें से आपका कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसमें अगर ये ऑप्शन, ये यहाँ पर हम बदल दें ऑप्शन, यहाँ लिख दिया नॉट, तो इसमें ऑप्शन आने वाला है आपका नॉट। आप काट पीट करके चेक कर लिए, ऑप्शन मैंने रखे थे बिना सोचे समझे, थोड़ा सा लिख दिया, 7 से काटोगे तब भी, जब काटोगे तो आपका आंसर आने वाला है नहीं, यही आपका आंसर है, ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि सवाल अपने आप बनाते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाते हैं ऑप्शन। अब आपके लिए दे रहे हैं आप अगला सवाल, देखो तो अगला सवाल जो है ये है, इसमें लिख दिया 3:2, ये कर दिया इस प्रकार से, और इसको कर दिया 15, इसको कर दें 20 सेकेंड, ऑप्शन आपके कर दिया है
सभी सेकंड है, सभी क्या है, सेकंड है, सभी सेकंड है। ये सब आपके सामने दे दिया गया है। सवाल पढ़ दें आपके सामने, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई का अनुपात 3:2 एक खंभे को पार करने 15 था 20 सेकंड का समय लेती है, 15 था 20 सेकंड का समय लेती है। यदि वे दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो आप लोग कर लोगे और करने का ऑप्शन बता देना कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको सही बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसको दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।